फिटर फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो क्वेश्चन जिनको पढ़ करके आप किसी भी एग्जाम में सक्सेस हो सकते हैं। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन हैं फिटर थ्योरी के टॉप 50 क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, जेनी कैलिपर का उपयोग डेड डेस्क के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि जेनी कैलिपर कैसे होता है। तो जेनी कैलिपर एक लेग सीधी होती है और एक लेग इस तरीके से मुड़ी हुई रहती है, या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ 45 डिग्री पर। तो इस कैलिपर का जो काम होता है, इस कैलिपर के द्वारा हम समांतर लाइनें खींच सकते हैं और गोल जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं जेनी कैलिपर के द्वारा। तो इसमें देखिए, ऑप्शन में देख लेते हैं, गोल जॉब का सेंटर निकालना सी आंसर में दिया गया है। और इसका ये क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि जेनी कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है। तो जेनी कैलिपर को हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या ऑडलेग कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, सेकंड नंबर, ड्रिल करते समय ड्रिल की डेडनेस के कारण अधिक गर्म होता है। यानी जब हम ड्रिलिंग कार्यक्रिया करते हैं, किसी जॉब में होल करते हैं, तो हमारा ड्रिल अधिक गर्म क्यों होने लगता है। तो अधिक गर्म तभी होगा जब उसमें जो है घर्षण अधिक होगा, और घर्षण अधिक तब होगा जब हम ड्रिल करते समय अधिक प्रेशर देंगे, अधिक दबाव देंगे, अधिक फीड देंगे। तो देखिए, इसमें डी आंसर में दिया है, अत्यधिक कटिंग दाब, यानी कि हम फीड अधिक दे रहे हैं तब वो अधिक गर्म होगा। तो इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है BHW वी अवस्था चूड़ी का कोण क्या होता है। तो जो BHW का कोण होता है वो 55 डिग्री होता है, अर्थात BSP और BSF जो दो थ्रेड और होती हैं, जो BS वाली तीन थ्रेड होती हैं, तीनों का कोण 55 डिग्री होता है, चाहे वो BHW हो, चाहे वो BSF हो, चाहे BSP हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर हमारा हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं, दो मेटिंग पार्ट के बीच का क्लियरेंस चेक करने के लिए गेज का प्रयोग करते हैं। तो दो पार्टों के बीच का गैप रहता है, फासला रहता है, उसको चेक करने के लिए हम फीलर गेज का उपयोग करते हैं। अलग अलग थिकनेस की पट्टियां रहती हैं, तो उन पट्टियों को हम इस गैप में डाल के चेक कर लेते हैं। जो पट्टी इस गैप में सही आ जाए, ना ज़्यादा लूज हो ना ज़्यादा टाइट हो, उस पट्टी का साइज हम चेक कर लेते हैं उसके ऊपर लिखे हुए नंबर से। तो हमें पता चल जाता है कि दो पार्टों के बीच में कितनी जगह है। तो इसे फीलर गेज कहते हैं। इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन, वर्नियर हाइट गेज डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी हमारा वर्नियर हाइट गेज जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका मेन जो वर्ड है जिससे हम आंसर दे सकते हैं, वो वर्ड है हमारा वर्नियर। तो वर्नियर हाइट गेज जो हमारा रहता है वो वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि हमारे वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। और हमारे वर्नियर हाइट में भी दो स्केल होते हैं, वर्नियर हाइट गेज में मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो ये वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। बस अंतर ये होता है कि वर्नियर कैलिपर का जो स्केल होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और वर्नियर हाइट गेज का स्केल होता है जो वर्टिकल होता है, बीम के समान होता है खड़ा हुआ। इसका छठवां नंबर हम क्वेश्चन करेंगे। छठवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चूड़ी का प्रयोग ट्रांसमिशन गति के लिए किया जाता है। यानी कि किसी भी गति को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। तो इसके लिए वैसे स्क्वायर थर्ड होती है, तो स्क्वायर थर्ड यहाँ कहीं दिया है कि नहीं दिया है। ट्रांसमिशन गति के लिए गोल्ड राउंड थ्रेड, ISO मीट्रिक थ्रेड, BSW थ्रेड और पारस्परिक चूड़ी। तो ये इंग्लिश में कहीं ना कहीं इसमें या तो एक्मी थ्रेड होगा या स्क्वायर थ्रेड होगा। तो इसमें ISO मीट्रिक थ्रेड से गति को ट्रांसफर नहीं किया जाता है, BSW से नहीं करते हैं, गोल्ड थ्रेड से नहीं करते हैं। तो इसका आंसर बी आंसर होना चाहिए, स्क्वायर थ्रेड या एक्मी थ्रेड। इसके बाद अगला है सातवां नंबर क्वेश्चन, मृदु एवं निम्न मिश्र धातु स्टील को वेल्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड के कोटिंग के लिए डेड डेस्क का उपयोग उपचायक कारक के साथ गैसीय शील्ड प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी कि हम गैसीय शील्ड मतलब ऊपरी परत को किसी अन्य कारक से बचाने के लिए ऊपर एक मजबूत सी तह बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो तह बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, धातु कार्बोनेट, फेरोमैग्नी, नहीं सेलुलोज। तो इसके लिए वैसे सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका डी आंसर राइट आंसर होना चाहिए। इसका ग्राइंडिंग व्हील के व्हील को आकार देने के लिए इसे अक्ष के साथ गाढ़ा जाता है। यानी ग्राइंडिंग व्हील को आकार देने के लिए इसे किस अक्ष के साथ गाढ़ा जाता है। यानी कि हम इसे जब ग्राइंडिंग व्हील को सही आकार देते हैं, हमारी ये व्हील जो होती है वो ऊपर नीचे रहती है, तो इसको क्या करके सही करते हैं, तो क्या करके इसे सही करते हैं, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में वजन को किया जाता है, लेकिन इसको अक्ष के साथ मतलब कंसेंट्रिक बनाना है। तो कंसेंट्रिक ग्लेजिंग में नहीं होगी, ट्रूइंग और ड्रेसिंग।
तो इसमें हमारी जो ट्रूइंग कार्यक्रिया होती है, ट्रूइंग ट्रूइंग कार्यक्रिया में अक्ष के समांतर करते हैं, इसको ऊपर ऊपर छील देते हैं। छीलने से हमारी जो ग्राइंडिंग व्हील को आकार देने के लिए इसे अक्ष के साथ गाड़ा जाता है, यानी ग्राइंडिंग व्हील को सही आकार देना है, यानी कंसेंट्रिक करना है। तो कंसेंट्रिक करने के लिए हम ग्लेजिंग तो करेंगे नहीं, बैलेंसिंग नहीं करेंगे, ट्रूइंग करने से हम इसकी क्रैकनेस की जांच करते हैं, बैलेंसिंग से वेट की जांच करते हैं। तो इसका आंसर होगा ड्रेसिंग। ड्रेसिंग से क्या होता है, हम इसको ऊपर ऊपर छील देते हैं, तो जहाँ हमारी भील ईसेंट्रिक होती है, ईसेंट्रिक मतलब ऊंची नीची होती है, वो छील करके कंसेंट्रिक अर्थात संकेंद्रीय हो जाती है। इसका 9th नंबर क्वेश्चन, कास्ट आयन की एक मिश्र धातु है, यानी कास्ट की मिश्र धातु हमें बताना है, कांस्य लिखा हुआ है, कास्ट नहीं लिखा हुआ है, कांस्य। कांस्य मतलब होता है ब्रोंज, तो ब्रोंज जो होता है, ब्रोंज किस किस को मिला के बनाया जाता है, तो ब्रोंज मिलाया जाता है कॉपर और टिन को, तो इसका आंसर होगा टिन। तो ध्यान रखना है, पढ़ने में भी गलती नहीं होना चाहिए। कांस्य लिखा, कांस्य का मतलब होता है ब्रोंज, ब्रास होता है जो पीतल होता है, और ब्रोंज होता है वो कांसा होता है, कांस्य लिखा हुआ है, कांस्य में टिन होता है, कॉपर प्लस टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, आकारों की अधिकतम सीमा के बीच अंतर, यानी हमने अधिकतम सीमा लिया गया है, तो जब हम अधिकतम सीमा लेंगे तो इसमें ऊपरी विचलन आएगा, तो इसमें दिखा गया है अधिकतम विचलन कहते हैं अधिकतम सीमा के लिए। गोल रॉड के व्यास मापने के वाला यंत्र, यानी किसी भी गोल रॉड का व्यास को हमें मापना है, तो किससे माप सकते हैं हम, तो ये बाहरी माइक्रोमीटर, भीतरी माइक्रोमीटर से तो आएगा नहीं, ट्यूब माइक्रोमीटर से नहीं आएगा, गहराई नहीं, तो इसका आंसर आएगा बाहरी व्यास। तो रोड का बाहरी व्यास जो होगा वो आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम इसको चेक कर सकते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व को स्क्रू पिच गेज से चेक नहीं कर सकते, यानी स्क्रू पिच गेज से चेक नहीं करना है, नहीं पे ध्यान देना, तो हम वो ऑप्शन इसमें से हटा देंगे जो हम चेक कर सकते हैं। पिच को हम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये नहीं वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद प्रोफाइल को भी हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद शीशा का मतलब क्या लिखा गया है, लीड जो होती है, लीड और गहराई, तो हम स्क्रू पिच गेज से लीड मतलब होता है एक चक्कर में चली गई दूरी, तो इसमें लीड को भी चेक कर सकते हैं हम, लेकिन गहराई को चेक हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखो, शीशा लिखा हुआ है, शीशा का मतलब होता है लीड होता है एक चक्कर में चली गई दूरी, नट बोल्ट द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। हम पिच को जब निकालेंगे तो पिच से गुणा करके लीड को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन गहराई इससे हमें पता नहीं चलती है, तो इसका आंसर डी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन, बोल्ट हेड वाशर या नट के लिए, कोई भी बोल्ट है तो बोल्ट का हेड जो है इस तरीके से रहता है, तो ये सीट देने के लिए कहीं भी किसी भी सतह पर कसेंगे तो ये बैठना चाहिए, तो कैसे बैठेगा, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए जो हमारी जो भी सतह होती है तो होल करते हैं, तो बर्र उभर आते हैं थोड़े थोड़े इधर, जब कोई ड्रिल होल करते हैं या टेपिंग करते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हटाने के लिए बोल्ट हेड वाशर नट के लिए एक सीट बनाने के लिए ऑपरेशन करते हैं। तो बोल्ट के हेड के लिए स्पॉट फेसिंग हम करते हैं। स्पॉट फेसिंग करने से क्या होता है, हमारा जो जॉब की सतह होती है वो एकदम फ्लैट हो जाती है, तो बोल्ट आसानी से बैठ जाता है। बर्नियर माइक्रोमीटर के बर्नियर स्केल पर विभाजनों की संख्या, तो बर्नियर स्केल पर कितने विभाजन होते हैं बर्नियर माइक्रोमीटर में, तो बर्नियर स्केल पर 10 खाने होते हैं, तो इसका आंसर 10 होगा, और 9 थिम्बल खानों को 10 खानों में बांटा जाता है बर्नियर खानों में। इसका 15वां नंबर क्वेश्चन, एक ग्राइंडिंग व्हील का पृष्ठ एक चिकनी चमकीली, यानी हमारा ग्राइंडिंग व्हील जो है उसका चिकना हो गया ऊपर वाला भाग, और चिकनी को क्या कहते हैं, चिकनी को ग्लेजिंग कहते हैं, जो आपने कोई भी जो फेस वॉश होता है उसके ऐड में सुना होगा ग्लेजिंग, तो ग्लेजिंग शब्द का मतलब होता है चिकना, तो चिकना व्हील तब होता है जब ऊपर की व्हील ऊपर घिस जाती है, ग्लेजिंग हो जाती है उसमें, तो ग्लेजिंग कहते हैं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, रेतियाँ टोटल किसकी बनी होती हैं, तो रेती जो होती है हमारी फाइल हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, तो इसका सी आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन, हमारा जो है रीमर में निर्धारित किए जाने वाले कार्यात्मक पार्ट पायलट का क्या कार्य होता है, तो पायलट जो होता है इससे दो छेद जो होते हैं कोई भी ड्रिल होल उनको एक सीध में रीमिंग कर देता है, तो फिनिश संकेंद्रीय क्षेत्र के लिए, तो ये आंसर जो है फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन, पडिंग लिखा है, पडिंग का मतलब पुडलिंग होना चाहिए, पुडलिंग भट्टी द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, तो हमारी जो पुडलिंग फर्नेस होती है इससे हमें रोट आयरन
रोट आयरन का निर्माण कहते हैं, और रोट आयरन को हम कहते हैं पिटुआ लोहा, लेकिन इसमें पिटुआ लोहा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ढलवा लोहा गलत है, और पिग आयरन तो गलत है ही। पुल्लिंग पिग आयरन जो है वो ब्लास्ट फर्नेस से बनता है, इसमें पुडलिंग होना चाहिए वैसे। अब इंग्लिश में देख करके हम चेक कर सकते हैं, वैसे इसका आंसर अगर पुडलिंग है तो इसका आंसर रोट आयरन होना चाहिए। अब इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया होगा उससे चेक कर लें, रोट आयरन, लेकिन रोट आयरन इसमें कहीं लिखा नहीं, कच्चा लोहा लिखा है, कच्चा लोहा ही पिग आयरन होता है, तो इसमें ऑप्शन कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश में शायद इसका सही ऑप्शन हो। 19 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सी एसिलीन वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग जो होता है वो काला होता है, एसिलीन सिलेंडर का रंग जो होता है मेहरून होता है, तो इसका आंसर काला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, कटिंग ऑपरेशन के लिए कौन सी प्रज्वलन प्रयुक्त होता है, यानी कटिंग ऑपरेशन हमें करना है तो किस फ्लेम का यूज करना है, तो हमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन ही कटिंग करने का काम करता है। 21 नंबर क्वेश्चन, अलौह धातु पीतल और कांसे के लिए वेल्डिंग के लिए किस फ्लेम का उपयोग करते हैं? तो पीतल और कांसे के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं क्योंकि पीतल और कांसा जो होते हैं शुद्ध होते हैं, तो शुद्ध के लिए हम शुद्ध फ्लेम का यूज करेंगे। 22 नंबर, एक लेफ्ट हैंड थ्रेड स्क्रू में डेड डेथ विकसित होता है, यानी एक बाएँ हाथ के स्क्रू है तो उसमें क्या विकसित होता है? क्लॉक वाइज कोई भी दिशा, एंटी क्लॉक वाइज, तो ये विकसित होना मतलब कसना, तो इंग्लिश में आपको कसने का मतलब मिल जाएगा, तो एक बाएं हाथ की चूड़ी है तो एंटी क्लॉक वाइज थ्रेड में एंटी क्लॉक वाइज घुमाने पर ही वो कसेगी, तो बी आंसर होगा। इसका 23 नंबर क्वेश्चन, एक्मी चूड़ी को डॉट डॉट फार्म में संशोधित किया जाता है, यानी एक्मी चूड़ी जो होती है किसको संशोधित करके, मतलब किस में सुधार करके बनाई जाती है, तो ये वर्गाकार जो चूड़ी होती है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है, ऐसे होती है जैसे स्क्वायर थ्रेड, तो इसको हल्का सा ऐसे चैम्फर कर देते हैं 29 डिग्री पर, तो ये जो होता है 29 डिग्री के कोण में बन जाती है, तो ये संशोधित करके यानी किस में परिवर्तन करके, तो ये स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड होती है एक्मी थ्रेड, मॉडिफाइड का मतलब होता है बदलना, तो स्क्वायर थ्रेड को बदल के हमने एक्मी थ्रेड बनाई है। इसका 24 नंबर क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, यांत्रिक सील का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है, रिसाव को रोकने के लिए, कार कंपन के लिए उपयुक्त संतुलन, तो जो सील होती है वो शायद रिसाव के लिए रहती है, तो इसका बी आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, पार्ट्स के विनिमयशीलता के लिए अधिक उपयुक्त होता है, यानी पार्ट को विनिमयशील बनाना है, विनिमयशीलता का मतलब मैं बता देता हूँ, जब एक पार्ट खराब हो जाए तो उसको निकाल करके उस जगह पर दूसरा पार्ट बिना किसी काट पीट की फिट हो जाए, यानी हमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो उसे विनिमयशीलता कहते हैं। तो विनिमयशीलता के लिए हमें क्या करना चाहिए? द्रव्यमान उत्पादन नहीं गलत, इसके लिए मास प्रोडक्शन करना चाहिए, और मास प्रोडक्शन के लिए हम बेंच उत्पादन कहते हैं, मास प्रोडक्शन कार बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हुक स्पिनर का उपयोग किया जाता है, हुक स्पिनर से हम क्या करते हैं, हुक स्पिनर जो होता है हमारा उसमें एक हुक बना होता है, इस पर हम स्लॉटेड नट को खोलते हैं, इस तरीके से उसमें स्लॉट बने होते हैं ऊपर हुक स्पिनर, तो सपाट पृष्ठ पर केंद्र भाग, तो इसे एक जो होता है सॉरी हुक स्क्रैपर का उपयोग दिया, हुक स्क्रैपर को स्क्रैप करने के लिए ये दिया है, हुक स्क्रैपर यानी हमारा हुक स्क्रैपर होता है, तो हुक स्क्रैपर का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें खोखली सतह में अंदर हाथ ना जाता हो, तो उसको अंदर जाके वो पुल कर लेता है, तो खोखली पृष्ठ के लिए, तो इसका आंसर होगा, खा आंसर होना चाहिए बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग में अनिवार्य संकेत होते हैं, तो ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग जो होती है मैं लिख देता हूँ, 51A46L5B23, तो 7 होते हैं, तो फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेंच सिकंजा लिखा हुआ है, इसका मतलब है बेंच वाइज को अत्यधिक कसते समय कौन सा पार्ट नुकसान हो जाता है, तो हमारा ऐसे जो बॉक्स नट होता है वो खराब हो सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन, शून्य लाइन मतलब जीरो लाइन क्या प्रदर्शित करती है? जीरो लाइन हमारी जीरो विचलन को प्रदर्शित करती है, जीरो का मतलब हमारा जो बिल्कुल एक्यूरेट बन गया, तो उसमें कोई विचलन नहीं हुआ, मतलब जीरो जीरो विचलन है, शून्य विचलन। इसका 30 नंबर क्वेश्चन, ट्विस्ट स्टील डेटेड किसके बनाए जाते हैं? ट्विस्ट स्टील हाई गति हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, तो उच्च गति स्टील, तो इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, वेल्डिंग करते समय किस प्रकार के एप्रन का उपयोग करना चाहिए? तो हमें एप्रन जो होता है ये पहनने का होता है जो हमारी आग से रक्षा करता है, तो कॉटन में तो आग लग जाएगी ये नहीं पहनना चाहिए, प्लास्टिक में सिल्क में आग लग जाए तो चमड़े के या वर्न के चमड़े या वर्न के जो कपड़े होंगे या दस्ताने होंगे या एप्रन होगा उसमें आग नहीं लगती है, तो इसका आंसर डी आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो दुर्घटना के जो कारण है उनको हटा दीजिए इसमें, तो इसमें नगण्य नगण्य मतलब हम नंगे पैर रहेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। इसके बाद खतरों में अनभिज्ञता, टूलों का अनुपयोग, तो दस्ताने का उपयोग, तो इसमें जो नहीं वाला है ये तो है, तो इसमें डी नहीं है, यानी इससे दुर्घटना नहीं होगी, तो इसका डी आंसर राइट आंसर होगा, तो मैंने वो हटा दिए जो दुर्घटना के कारण है। इसका 33 नंबर, लेफ्ट जोड़ में
प्लेटें रखी जाती हैं, लेफ्ट जोड़ में प्लेटें जो तर के ऊपर रखी जाती हैं, तो ओवरलैप स्थिति में रखी जाती हैं, तो सी आंसर होगा तर के ऊपर रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन, किल्ड स्टील का मतलब होता है माइल्ड स्टील के विपरीत है, तो माइल्ड स्टील किसके विपरीत है, मिश्र धातु के विपरीत है, क्योंकि मिश्र धातु जो होती है वो हार्ड रहती है और डेड माइल्ड स्टील सॉफ्ट होती है, तो डेड माइल्ड स्टील जो होती है लाइट स्टील के विपरीत होती है। तो ये क्वेश्चन मैं कई बार अपने चैनल पर बता चुका हूँ, तो आप चाहें तो हमारे चैनल के दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, वेल्डिंग फ्लश का उपयोग डॉट के लिए किया जाता है, तो वेल्डिंग फ्लश जो होता है ये हमारी जो लोहे में अशुद्धियाँ होती हैं उनको हटा देता है, तो ऑक्सीडेशन को रोकता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हमारे धातु के ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है, वो लोहे को खा जाती है, खराब कर देती है, तो उसके लिए हम फ्लश का उपयोग करते हैं। 36 नंबर, एक बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर की न्यूनतम यानी लिस्ट काउंट क्या होता है, तो बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर होता है उसकी लिस्ट काउंट होती है 5 मिनट, तो ये खा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, 5 मिनट इसका राइट आंसर हो जाए। 37 नंबर क्वेश्चन, यदि एक सिलेंडर दोषपूर्ण बाल्ब या सुरक्षा प्लग के कारण रिसाव हो तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए, कोई भी सिलेंडर जो उसमें रिसाव हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, स्वयं को मरम्मत करने, दूसरों को इसे मरम्मत करने से कहना, दूसरों को सप्लाई के लिए सूचित करना, इसे एक सुरक्षित क्षेत्र में मूव कर दें, तो इसके सबसे पहले हमें जो करना चाहिए डी आंसर, इसे सुरक्षित क्षेत्र में मूव कर देना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर सीट मेटल फैब्रिकेशन में इस्तेमाल दाब वेल्डिंग प्रक्रिया होती है, यानी सीट मेटल शॉप में ज़्यादातर कौन सी वेल्डिंग की जाती है, तो सीट मेटल जॉब में ज़्यादातर गैस वेल्डिंग करना चाहिए, क्योंकि गैस वेल्डिंग पतली जॉबों में आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन जो है, एक ड्रिल के क्लीयरेंस कोण डॉटेड के बीच होता है, तो हमारा जो ड्रिल का क्लीयरेंस एंगल होता है ये 12 से 15 डिग्री के आसपास रहता है, तो 12 से 15 तो इस 20 में आ रहा 12 से 20 में, तो इसका डी सी आंसर होना चाहिए। सॉरी 40 नंबर, एक ब्लाइंड क्षेत्र में चूड़ी काटने के लिए किसको उपयोग करना चाहिए, तो इसके लिए वॉटमिंग टेप का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वॉटमिंग टेप में जो खासियत होती है, ये कोई ब्लाइंड होल है मान लीजिए ये होल है, तो इसमें अंदर तक जो चूड़ी नीचे तक काट देता है, तो ब्लाइंड होल में वॉटमिंग टेप का उपयोग करना चाहिए। 41 नंबर, निम्न लिखित वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड खपत किए जाते हैं, यानी कौन निम्नलिखित वेल्डिंग प्रक्रिया, एक इसमें एक चित्र बना हुआ मिल जाएगा आपको, क्योंकि निम्नलिखित बोला गया मतलब इसका चित्र बना, इंग्लिश में चित्र मिलेगा, तो ये प्रतिरोध थर्मेट गैस आर्क, तो एक वेल्डिंग प्रक्रिया दी गई होगी, तो डॉट इलेक्ट्रोड खपत किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रोड खपत किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रोड वैसे आर्क वेल्डिंग में होता है, जो मेन इलेक्ट्रोड जो ज़्यादातर अधिक खर्च होता है वो आर्क वेल्डिंग में होता है। इसके बाद 42 नंबर, इलेक्ट्रोड की कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड की कोटिंग किसकी की जाती है, फ्लैश की, जिस तरीके से अगरबत्ती के ऊपर एक सुगंधित पदार्थ की कोटिंग की जाती है, तो अगरबत्ती हम जलाते हैं तो सुगंध आती है, तो इसी लिए वेल्डिंग को साफ करने के लिए इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लैश की कोटिंग होती है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, एक ड्रिल का उपयोग डॉट के लिए किया जाता है, एक ड्रिफ्ट का उपयोग डॉट के लिए किया जाता है, तो ड्रिफ्ट का उपयोग किस लिए करते हैं, स्पिंडल से ड्रिल को हटाने के लिए उपयोग करते हैं, तो कार से मशीन स्पिंडल चक ड्रिल को हटाना, तो इसका आंसर है डी, मशीन स्पिंडल से ड्रिल को हटाना, ड्रिफ्ट के द्वारा हम मशीन के स्पिंडल ड्रिल को हटा सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, आवेश को डेटस के द्वारा ब्लास्ट भट्टी में फीड किया जाता है, यानी कि चार्ज, आवेश का मतलब चार्ज, तो कोई भी भट्टी जो होती है, तो भट्टी के ऊपर जो भी हम आयस का चूना पत्थर डालते हैं वो ऊपर से डालते हैं, इसे कप एवं कोन व्यवस्था कहते हैं, तो इसमें देखिए कहीं लिखा है थ्रॉट लिखा हुआ है, वॉश से तो डालेंगे नहीं, स्टैक एवं कप एवं कौन व्यवस्था होती है, तो ऊपर थ्रॉट मतलब गला, तो इसका आंसर फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है समायोजन स्क्रू प्लेट डाई का उपयोग डॉट के लिए किया जाता है, यानी जो हमारी एक एडजस्टेबल डाई होती है इसके द्वारा 3 बार में समायोजित करके चूड़ियाँ काट सकते हैं, तो देखिए इसमें चेजिंग रिकटनेसिंग गलत है, कलर के फीडर असेंबल करना गलत है, थ्रेडिंग करते समय कटिंग ऑयल सप्लाई करना, कट की गहराई वृद्धि या कमी करना, तो इसमें हम कट की गहराई को कम अधिक कर सकते हैं स्क्रू के द्वारा डाई में। इसके बाद 46 नंबर, का उपयोग गैल्वेनाइजिंग सीट के लिए किया जाता है, तो गैल्वेनाइजिंग जो होती है जिंक की कोटिंग होती है, तो इसका जो है सी आंसर होगा जिंक, गैल्वेनाइजिंग में जिंक की कोटिंग होती है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। इसका 47 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक छिद्र के सिरे बेवलिंग करने की क्रिया की है, यानी कोई छिद्र है उसके सिरों को इस तरीके से हम कर देते हैं, चैम्फर कर दिया जाता है इस तरीके से, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, काउंटर सिंकिंग, रीमिंग, स्पॉट फिशिंग, तो इसका आंसर होगा काउंटर सिंकिंग, तिरछा करना काउंटर सिंकिंग कहलाता है। सरल सेंक ड्रिल डॉट डॉट में होते हैं, यानी सरल सेंक ड्रिल, साधारण जो सेंक ड्रिल होते हैं वो डेड होते हैं, सिलियो ड्रिल चक में उपयोग करते हैं, जो पैरेलल सेंक ड्रिल होते हैं जिसकी सेंक पैरेलल होती है वो ड्रिल चक के द्वारा मशीन में बांधे जाते हैं।
कच्चे लोहे के गुण होते हैं, यानी कच्चा लोहा के मतलब पिग आयरन, तो पिग आयरन के गुण टोटल पहचानने में होते हैं कार्बन और मैग्नीज, कार्बन और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कार्बन, मैग्नीशियम और मैग्नीज, यानी कच्चे लोहे में, तो कच्चे लोहे में कार्बन होना चाहिए, कार्बन और मैग्नीशियम, तो इसका फर्स्ट आंसर होना चाहिए कार्बन, तो जरूर होना चाहिए क्योंकि कच्चे लोहे था पिग आयरन में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो कार्बन और मैग्नीशियम इसका आंसर होगा, मैग्नीज नहीं होगा, मैग्नीज से तो हार्डनेस बढ़ जाती है। इसके बाद इसका लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, छिद्र किए गए ड्रिल डॉट डॉट के कारण ड्रिल आकार बनाते हैं, यानी कोई भी ड्रिलिंग होल कर रहे हैं हम, तो छिद्र जो बनाना है 10 mm का वो बन गया, वो 12 mm का, तो ये किससे बन जाता है, तो आसमान लिप की लंबाई, यानी जो लिप होते हैं हमारे ड्रिल की लिप जो रहती है उनकी एक की लंबाई बड़ी हो जाती है और एक कटिंग लिप की लंबाई छोटी हो जाती है, इससे हमारा होल जो है बड़ा बन जाता है, तो इसलिए इसका आंसर बी आंसर होना चाहिए। तो दोस्त ये रहे हमारे फिटर थ्योरी के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया, डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, उसको मैं कमेंट्स करके मैं भी आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।